ये हम बात करते हैं बुद्ध ग्रंथों में वर्णित 16 महाजनपदों से में से एक चेदी महाजनपद की, जिसके महाराजा थे महाराज शिशुपाल। इसमें बुंदेलखंड का दक्षिण भाग और महाकौशल का उत्तरी भाग चेदी महाजनपद में आता था। हम बात कर रहे हैं 73 BC की, लगभग आज से 2093 साल पहले। इस चेदी जनपद में बाद में कलचुरी, परिहार, चंदेल, गौड़ और बाद में मराठाओं ने समय समय पर राज किया। इसके बाद बासु एवं जरासंध ने के वंशज चंद्रवर्मन ने चंदेल वंश की स्थापना की। मैं अब बात कर रहा हूँ 8वीं सदी की। चंदेल वंश का राज स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच का था। चंदेलों ने 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राज्य किया, अपितु कला के प्रसार एवं संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। चंदेलों की स्थापत्य कला, वास्तुकला एवं मूर्तिकला का समूचे विश्व पर प्रभाव पड़ा, जिसका जीता जागता उदाहरण खजुराहो है। चंदेलों की 8 प्रमुख किलों में से बारीगढ़ प्रमुख किला एवं छावनी थी, जिसमें समय समय पर विभिन्न आक्रमण हुए और बारीगढ़ स्थापत्य कला और वास्तुकला में अद्भुत रचना को तोड़ दिया गया। बारीगढ़ 25-12 उत्तरी अक्षांश एवं 8-5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ से महोबा 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बारीगढ़ 1948 से पहले सरकारी रियासत का हिस्सा था। किला बारीगढ़ को बारीगढ़ दुर्ग विजयगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इसे महोबा के चंदेल शासक विजय वर्मन ने 1040 ईस्वी में बनाया, जिसकी वास्तु एवं स्थापत्य कला देखने लायक है। बारीगढ़ ग्रेनाइट पत्थरों को तोड़कर बनाया गया 20 फुट। बारीगढ़ एक ऐसा दुर्ग था चंदेलों के। बारीगढ़ और मनियागढ़ दो ऐसे दुर्ग थे जो चंदेल राजाओं के प्रमुख दुर्ग थे, जिन्हें हमेशा छावनी के रूप यूज करा जाता था। जब बारीगढ़ का निर्माण हुआ 1044 ईस्वी में, तब विजय वर्मन उस समय पर महोबा के शासक थे। उन्होंने देखा कि महोबा की तरफ चारों तरफ कोई एक बड़ा निर्माण नहीं है, जिससे सामने वाले सेनाओं को आसानी से रोका जा सके। उसके लिए बारीगढ़ का निर्माण 1044 ईस्वी में, और ये निर्माण ऐसा करा कि सामने फ्रंट में कोट को इतना ऊंचा करा कि उसको भेदना बहुत आसान नहीं था। इवन उसके बाद भी बारीगढ़ के चारों तरफ 2 फीट दो बहुत बड़ी गहरी खाइयां बनाई गई, उसके ऊपर 20-30 फीट ऊंचा दुर्ग निर्माण किया गया, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक हाथी दरवाजा है, जहां से हाथियों और घोड़ों के निकलने की व्यवस्था थी। ये इतना ऊंचा था कि इसमें ग्रेनाइट के 30-40 फीट ऊंचे पत्थरों का यूज किया गया। ये पत्थर इतने मजबूत थे कि आज भी अपनी इतिहास की गौरव गाथा बता रहे हैं। आज भी इनका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। कालांतर ने और कई सारे थपेड़ों ने इनको तोड़ दिया। ये भूकंप से हो सकता है या किसी जंग से, और ये सारा जो भग्नावशेष टूटे हुए पड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि ये किसी युद्ध से चरमराए हुए थे। मानव प्रकृति पहाड़ों की छाती पर चंदेल राजाओं ने 20 फुट ऊंचा कृत्रिम पहाड़ खड़ा कर दिया। पश्चिमी द्वार का उपयोग छावनी के रूप में किया जाता रहा, जिसमें हाथी घोड़े आदि बांधने के स्थल आज भी दिखाई देते हैं। बारीगढ़ में एक ही प्राचीन तालाब देखने को मिलता है, जिसका नाम बुद्ध सागर है, जिसे आज टपुआ ताल के नाम से लोग जानते हैं। कालांतर में विभिन्न लोगों ने बारीगढ़ के परकोटे के बाहर
पानी की उपलब्धता के लिए कजडी ताल, दन ताल, सहब ताल। मेरे पीछे आप लोग एक बड़ा शिलाखंड देख रहे होंगे जिसमें दो आकृतियां मैं देख रहा हूं, जिसमें दो सिपाही आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, शायद अपनी परिकल्पना सजो रहे हैं, जिसमें शायद वो चाहते हैं कि वो शायद हवा में युद्ध कर सकते हैं, जिसमें एक पंछी पे बैठा है तो दूसरा घोड़े में। घनश्याम ताल और बनिया ताल का निर्माण कराया ताकि पानी की प्रचुर मात्रा बारीगढ़ के लोगों को उपलब्ध रहे। बारीगढ़ में विभिन्न संप्रदायों के निवासरत का संस्कृति को देखने का मिलता है, जिसमें सेव, साग, चैन, बनाफर, चौरसिया आदि। परकोटे के बाहर की बस्ती जुझान नगर और अंदर की बस्ती बारीगढ़ कहलाती है। बारीगढ़ किले के दुर्गाध्यक्ष बाल ब्रह्म चंदेल थे। चंदेलों के पराभव के साथ बारीगढ़ दुर्ग का भी पराभव हुआ। मुझे लगता है जब महुआ में पड़ोसी आक्रांताओं का बोलबाला बढ़ा, तब चंदेल राजाओं ने बारीगढ़ निर्माण को मजबूती से किया, जो काफ़ी ऊंचाई में गिर दुर्ग का निर्माण किया, उत्तरी आक्रांताओं से इसे बचाया जा सके और इस मजबूत दुर्ग को इतना मजबूत बनाया ताकि इसको आसानी से जीता ना जा सके। पर 1182 में जब पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राज्य पर विनाशकारी आक्रमण किया, जिसमें चंदेलकालीन बुंदेलखंड के सभी सूरमा, किलेदार, पराक्रमी आल्हा, ऊदल आदि वीरगति को प्राप्त हुए, एक प्रकार से यह बुंदेलखंड का महाभारत था। चंदेलों के दुर्ग ढहा दी गई, जिसमें बारीगढ़ दुर्ग प्रमुख था। ऐसी ही मुगलों के अधिकार से जब महोबा आया, तब हामिद खां को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। हामिद खां ने भी बारीगढ़ नगर के किले को, महलों को धराशायी किया, क्योंकि यदि बारीगढ़ किला किसी अन्य राजा के कब्जे में आया तो इसको जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कालांतर में महाराजा छत्रसाल ने जब महोबा और जैतपुर को जीत लिया, तब बारीगढ़ जैतपुर का राज्य का हिस्सा हो गया। चंदेल दुर्ग, महोबा और बारीगढ़ का पराभव होना उसी समय चालू हो गया। जैतपुर, चरखारी, नए कुलपहाड़, नए नगरों का उत्कर्ष हो गया। किला बारीगढ़ को मोहम्मद बंगस की सेना ने भी आघात पहुंचाया। राजा छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात बांदा और मौदाह के हिम्मत बहादुर अली बहादुर ने 1792 से 95 के मध्य बारीगढ़ के क्षेत्र को रौंद डाला, किले दरवाजों और परकोटों को तहस नहस कर दिया। जैसे शिंदे मराठा सम्राट ने भी इसे गिराया और राजा राम भूरागढ़ किलेदार ने अपने आतंक काल में बारीगढ़ को श्रीहीन कर दिया। राजनगर के राजा सोने शाह और चरखारी के राजा विजय बहादुर की हमेशा लड़ाई होती रही और सीमा पर बारीगढ़ रहा, जो हमेशा लड़ाइयों में घिसता और पिसता रहा। आज परकोटा, हाथी दरवाजा आज भी अपने पहाड़ों के शिखरों पर सिर ऊंचा किए हुए, अपने गौरवशाली अतीत की कहानियों को अपने खंडों में छिपाए हुए हैं। काश कि वह अपने वैभवशाली अतीत की एवं वर्तमान के पराभव की दास्तां को कह पाते। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।